नमस्कार थर्टी थर्टी स्टेम में आपका स्वागत है लाइव फ्रॉम आई आई टी नगर इट इज थर्टी थर्टी स्टेम मुझे थोड़ा सा आ, ये सीन गलत आ गया नमस्कार थर्टी थर्टी में आपका स्वागत है लाइव फ्रॉम आईटी आई टी गांधीनगर दिस इज थर्टी थर्टी स्टेम माई नेम इज़ प्रोफेसर मनीष जैन फॉर सम रीज़न आज मैंने अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगा दिया बट माई नेम इज़ मनीष जैन आई एम कॉलिंग फ्रॉम आई टी गांधीनगर जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पर दिख रही है साबरमती के किनारे बहुत सुंदर स्थान है जहाँ पर हमारी एक लैब है जिसका नाम है सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग जो कुछ ऐसी दिखाई देती है और जहाँ पर हमारा गोल सिर्फ यही है कि आंखों में चमक वापस आ जाए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग डे है आज चौदह मार्च है और विदेशों में इसको तीन चौदह लिखते हैं वहाँ पर महीना पहले लिखते हैं और दिन बाद, दिन बाद में लिखते हैं तो वहाँ पर ये तारीख तीन चौदह हो जाती है और इसीलिए पाए जिसकी वैल्यू थ्री पॉइंट वन फोर और ऐसे ऐसे कुछ कुछ होती है जिसके बारे में हम आज खुलकर चर्चा करेंगे लंबे से चर्चा करेंगे उसको कुछ लोग पाईडे के हिसाब से काफ़ी सारे लोग विदेशों में पाईडे के हिसाब से मना के नाम से मनाते हैं हम लोगों ने भी यहाँ पर भारत में तमाम जगह आजकल इस दिन को पाई डे के नाम से मना रहे हैं और आज के दिन ही संडे था तो क्यों ना हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम पाई के ऊपर ही करें एक बार पहले भी हमने पाई के ऊपर चर्चा करी थी आ, पाई पाई का हिसाब सारे पाई का हिसाब करा था चार पाई पे आए हैं चार पाई पे ही जाएंगे और साथ में चार पाई कमा के ले जाएंगे तो दो पाई का हिसाब पहले करा था दो पाई का हिसाब आज कर लेंगे पाई पाई का हिसाब पूरा कर लेंगे किस तरह से पाई हमारी जिंदगी में घुसा हुआ है कहीं भी आप खोजने की कोशिश करें वो निकल के आ जाता है पता भी नहीं चलता साइड से एकदम अचानक निकल के आ जाता है उन चीज़ों में आज पाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आ, आपको अंदाजा लगे कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम पाई को एक वेइंग मशीन के ऊपर देखेंगे हम पाई को पत्तियों में देखेंगे पाई को कैमरे में देखेंगे पॉलीगस में तो ऑफकोर्स देखेंगे एक सोप फिल्म में देखेंगे ये सोप फिल्म है आपस में टकराते हुए क्यूब्स में देखेंगे राजमें और चने में देखेंगे और एक डब्बा सुंदर डब्बा बनाकर दिखाएंगे और पाई तो देखेंगे किस तरह से आता है लेकिन किस तरह से पाई गायब हो जाता है यहां पर हम देखेंगे किस तरह से पाई गायब हो जाता है एंड देन भाषा में क्यों निकले हिंदी भाषा में पाई को देखेंगे और ड्राइंग के अंदर हिंदी भाषा में पाई और ड्राइंग के अंदर पाई तो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम है मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम डे तो मनाते हैं और भारत में मैं जब रिसर्च कर रहा था तो पिछले हफ्ते ये पता चला कि भारत का कोई एक, एक ए, ए, मैं नाम भूल रहा हूँ मीना है जी ए, राजीव मीना है शायद उसने सत्तर हजार पाई की डिजिट्स के नंबर को रट कर गिनीस वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया सुंदर काम करा बहुत सुंदर इसी तरह के पाई के ऊपर तमाम जो प्रयोग हैं आई थिंक दैट इज द गोल टू मेक श्योर यू कैन सी पाई इन थिंग्स दैट आर ऑल अराउंड अस एंड दैट इज द गोल ऑफ थर्टी थर्टी स्टेम विच इज़ टू ब्रिंग आउट द ब्यूटी मैजिक एंड मिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मैथ दैट इज ऑल अराउंड अस पाठ्यक्रम में जिंदगी का तड़का स्वागत है आपका सभी लोग जो पूरे देश भर से जुड़े हुए हैं इतने सुंदर पत्र मिलते हैं पूरे हफ्ते हमने जो उसके ऊपर चर्चा करी और पूरे हफ्ते जो हमारे साथियों ने मेहनत करी आज इतनी सारी हम आपको एक्टिविटीज करके दिखाएंगे और सारी यूनिक हैं एब्सोल्युटली यूनिक एक्टिविटीज विच वी क्रिएटेड विच वी फाउंड होल वीक वी स्पेंड डूइंग दिस ऑल आर लैबमेट्स जिनके नाम हम बाद में लेंगे गौरव भाई जय भाई तपस भाई आशुतोष और एक बहुत सुंदर खिलौना मुझे लग रहा था मैं शुरू में आपको दिखाऊं और बाद में इसकी लंबे से चर्चा करेंगे हमारे एक साथी क्वारंटाइन में अभी बंद है इतना सुंदर काम करा ये क्वारंटाइन में बैठकर आकाश भाई ने दिनेश भाई ने सुंदर बहुत सुंदर चीज़ सरता ज्योति सभी ने जितनी जो मेहनत करी उसका बहुत 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 आभार और ये सब इसलिए कर पाते हैं क्योंकि आप आप सभी लोगों इतने सारी टू थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आई विल जस्ट अ एक मिनट में लेकर आपको दो तीन चीजें अपनी फीडबैक uh, के तौर पर uh, दिखा के फिर uh, आगे की uh, बात चालू करते हैं ऑफकोर्स आज पाई डे इसलिए मना रहे हैं क्योंकि आज तीन चौदह भारत में चौदह तीन लिखते हैं और चौदह तीन को अगर वन फोर थ्री लिखे तो उसका एक्चुअली आजकल की डिक्शनरी में मतलब है आई लव यू बिकॉज वन फोर थ्री इज आई फोर इज़ लव एंड थ्री इज यू सो सिमिलरली आई थिंक इट विल बी सो ग्रेट इफ़ ऑन द पाई डे एंड मेरे साथी बाय द वे गौरव इसकी लंबे से चर्चा करेंगे आपके साथ अगर हम पाई को लेकर अपने हिंदी के गाने बनाएं हिंदी की पूरी नावल अगर पाई के डिजिट्स के लेकर uh, लिख दें या पाई के ऊपर अपने चित्र बनाएं तो वो uh, एक बहुत सुंदर प्रयोग होगा मुझे लगता है वो पाई डे के लिए एक सुंदर हमारी uh, 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 गतिविधि होगी और हम चाहते हैं इसी तरह के यू नो चीज़ें हमारे स्कूलों में हों और इन सब के लिए अगर आपको सहयोग चाहिए हमें चिट्ठी ज़रूर लिखिए बहुत सरल ई है सी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं थर्टी थर्टी स्टैम्प को भी सर्च करेंगे तो भी मिलेगा ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट वी मेड ये सारे उपकरण जो हमने हैं जो खिलौने बनाए हैं जैसे ये पेंसिल का दिखाया था एक गेंद भी दिखाएंगे ये सारी चीज़ें आप uh, हमसे uh, बनाने में सहयोग कर सकते हैं वी विल वी कैन रियली हेल्प यू इन गेटिंग ऑल दीज मैथ क्लब्स स्टार्टेड इन एवरी सिंगल स्कूल इस तरह के गणित के अगर लैब अगर मैं कहना चाहूँ स्टेम लैब या गणित की लैब अगर स्कूल में खुल जाए तब ये पाईडे का सपना पूरी तरह से साकार होगा तब ये थर्टी थर्टी स्टेम का उद्देश्य पूरी तरह से साकार होगा मैं आगे बढ़ता हूँ आपको मैं कुछ फीडबैक दिखाना चाह रहा था तो और ऑफकोर्स पाई पाईडे को इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि आइंस्टाइन का जन्म इसी दिन हुआ था और आ, ये आ, स्टीफन हॉकिंग हैं वो मैंने इस चेंज नहीं करा सॉरी आइंस्टाइन uh, का जन्म इस दिन हुआ था और स्टीफेन uh, हॉकिंग की uh, मृत्यु आज ही के दिन हुई थी और मैं uh, सोचा कि आज आपको थोड़े से अपने फीडबैक दिखाकर आगे की बात शुरू करते हैं ये ये इसलिए भी दिखाना ज़रूरी है इससे दो चीज़ें इसके पीछे हम ये हम अपनी तारीफ नहीं करना चाहते कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ऑल दो थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स दैट वी रिसीव इट इज सो हार्ड फॉर अस टू फिगर आउट किसको हम चुनकर डाले तो जो आग ऊपर आया उसका नाम आ गया ऐसा ही होता है कुछ ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगा पाते उसमें सो वोट आई वो स्टैंड टू से कई कई बार मुझे अपनी स्क्रीन में देखने के लिए चश्मा उसको मैं संभाल के रख लेता हूँ <laughs> तो आ, अपनी तारीफ नहीं करना चाहते बट दिस इज़ रियली रियली पूरा हफ्ता जो सर में पूरा हमारा सर घूमता रहता है पूरे हफ्ते की जो जद्दोजहद और मेहनत है जो रिसर्च हम लोग एक घंटे सवा घंटे का जो आपके सामने एपिसोड लाइव लाने की कोशिश करते हैं ऑलमोस्ट लाइक मेकिंग अ फीचर फिल्म इसके लिए सिर्फ अगर मैं कहूँ तो ऊर्जा जो आती है वो आपकी चिट्ठियों से आती है तो चिट्ठियाँ जरूर भेजिए उसका बहुत बड़ा योगदान है थके हुए प्राणी को कल रात दो बजे तक बैठकर मैंने जो चीज़ बनाई मैं और जय आपस में कुछ कुछ चर्चा कर रहे थे जय भाई का मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा बहुत सुंदर नो पाई का डब्बा पाई का डब्बा है लेकिन नो पाई उसके अंदर डब्बा सुंदर है पाई गायब हो गया है डब्बा आप सभी लोग बना सकते हैं उसकी हम कल हम जो गतिविधि कर रहे थे वो आपको दिखाएंगे पर वो इसलिए ही कर पाते हैं क्योंकि आपकी चिट्ठियाँ मिलती हैं सो प्लीज़ मेक श्योर यू टेल अदर पीपल अबाउट इट सब्सक्राइब रजिस्टर वॉच लाइव नहीं देख पाए तो बाद में जाकर देख सकते हैं चलिए आपको मैं थोड़े से अपने चिट्ठियाँ दिखा देता हूँ ये एस जे पटेल गुजरात के लग रहे हैं लिखा है कि इंडिया इज गोइंग टू चेंज एंड इवॉल्व विद टू समथिंग वेरी डिफरेंट विथ थर्टी थर्टी स्टैम्प थर्टी थर्टी और ये जे एन वी से चित्र आया है मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि लगता है YouTube में एक व्यू है बट YouTube इसको काउंट क्यों नहीं कर रहा है एक दो तीन चार पाँच छः सात ये तो सेवन एक्स्ट्रा व्यूज़ हो गए और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा ही शायद होता हो बहुत ही सुंदर जे के बच्चे बिल्कुल रविवार को अपना रविवार मना रहे हैं ये प्रोग्राम देखकर मैम जैसे लिख रही हैं श्री देवी मैम बहुत ही लंबा पत्र इन्होंने लिखा कि किस तरह से इन चीज़ों को अगर हमारे करिकुलम में इस्तेमाल होने लग जाए क्योंकि एन भी कुछ कुछ ऐसी ही बातें करती है इनफैक्ट एन के कारण ही आई एन जब आए हम लोगों ने सोचा कि किस तरह से हम एन ई पी का uh, को यू नो एन में जो मुख्य बातें कही गई हैं उसका किस तरह से हम एक uh, गणित और विज्ञान के प्रोग्राम में कर सकते हैं तब सी के साथ बात कर कर हमने ये प्रोग्राम चलाया था सो इट इज़ सो नाइस वी वी आर वी विल बी एप्सोलूटली थ्रिल्ड इफ यू नो ऑल ऑफ दिस थिंग्स कैन मेक इट टू द करिकुलम बट उसके लिए मुझे लगता है कहीं कहीं हमारी भी खुद ही जिम्मेदारी है हम अगर शिक्षक हैं हम अगर बच्चे हैं तो हम जब ये लागू हो करिकुलम में आए तब तक तो आए बहुत अच्छी बात है लेकिन जब ये प्रोग्राम हमारा यूट्यूब पर पढ़ा है ये होमवर्क हमारे यूट्यूब पर पढ़े तो क्यों ना हम उसको जाकर देखकर उसको काम करने की कोशिश करें Um, आगे बढ़ते हैं और ये बड़ा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग uh, मैं चेंज कर देता हूँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग रोचक पत्र मिला मुझे मालूम नहीं कि ये हमने पहले दिखाया कि नहीं बट ये मैम हमारी uh, बिंदु मैम है वो लिखती हैं <laughs> ये बिंदु मैं लिखती हैं कि ही नेवर यूज़ टू माई हस्बैंड नेवर यूज़ टू वियर जीन्स बिफोर पर मैंने उनको धक्का देकर जीन्स पहनाई और ये ये एपिसोड देखने के बाद आई हैव प्रमिस्ड नॉट टू बाई एनी ऑफ दिस थिंग्स मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से लोग जीन्स पहने या नहीं पहने मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि इतनी गर्मी है तो कोई ऐसा हल्का सफ़ेद अभी देखिए आपने शायद नोटिस करा सफ़ेद पहनने में ये गड़बड़ है आज सुबह खाना खा रहा था दोपहर में तो एक कुछ गिर गई दाल ऊपर तो पीला हो जाएगा तो वो गड़बड़ हो जाती है और साबुन नहीं लगाते हैं तो और भी दिक्कत है तो बड़ा सहेज के खाना खाना पड़ता है सफ़ेद कपड़े पहनने में ये कष्ट है सफ़ेद कमीज़ पहनने का तो ये मैं मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आप जीन्स पहने कि नहीं पहने सिर्फ़ ये है कि वो जीन्स कपड़ा जो बना है वो किसी और कह सकते हैं परिवेश के लिए है इतनी गर्मी छियालीस डिग्री आज टुडे इन गांधीनगर इट इज़ फोर्टी डिग्रीज वाइल कमिंग घर से मैं जब आ रहा था साइकिल पर इकतालीस डिग्री टेम्परेचर था आप बताइए तो उसमें उबल जाएं दिमाग तो पहले उबला रहता है और नीचे जीन्स पहन ली तो पूरे ऊपर नीचे सब कुछ उबल गया चलिए आगे बढ़ते हैं ये मैं आपको एक और फीडबैक दिखा आज काफ़ी सारे फीडबैक है आ, सोचें कितना दिखाएं कि नहीं दिवाली लैंप्स ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि कुछ आ, हमारे शिक्षक ने सीजन वन का जो एपिसोड देख उनकी चीज़ें भी लागू करके देखकर कर अपनी आ, क्लासों में बना रहे हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र आया अर्पण भट्टाचार्य ये नौवीं क्लास के बच्चे हैं आ, शायद मुझे अगर ठीक से आ, ध्यान आ रहा है तो सर मुझे हाँ नाइन्थ नाइन्थ क्लास स्टूडेंट नाइन्थ क्लास स्टूडेंट और अर्पण भट्टाचार्य का क्या कहना है कि इन्होंने ये जो चित्र बनाया ये 500 हंड्रेड डिजिट ये हमने सब शुरू में जब आपको बताया था कि ये पाई की डिजिट जोड़ जोड़ कर बनाएं तो इनका कहना है कि थ्री और सिक्स का नहीं आता है ये कहते हैं कि सिक्स और थ्री की लाइन नहीं आती है अर्पण मैं ये तुमको बताना चाहूँगा कि ऐसा है नहीं क्योंकि अगर आप इस वेबसाइट पर जाकर देखें कहाँ गई है एन जी ओ डॉट नेट इसमें देखिए अगर आप 36 को सर्च करेंगे तो दो सौ पे पोजिशन पर आ जाता है तो टू एटी फिफ्थ पोजिशन इज थ्री कनेक्शन फ्रॉम थ्री टू सिक्स एंड देन इफ आई पुट सिक्स थ्री दैन इट इज़ एट थ्री हंड्रेड एंड पोजीशन तो पहली तीन तीन सौ बारह डिजिट में दो यू नो एक लाइन बन जाएगी जो कि एक सेकेंड जो कि तीन से छः भी होगी और छः से तीन भी होगी चलिए आगे बढ़ते हैं एक एक फीडबैक में और ये सब उसी चीज़ से जुड़ा हुआ है ये एक स्वस्ती का मैसेज आया है और उन्होंने एक सुंदर चित्र बनाया तीन गोले ले लिए थ्री ऑफ पाए और एक पॉइंट वन फोर ऑफ <laughs> पॉइंट वन फोर तो अ सर्कल काट दिया तो इनका थ्री पॉइंट वन फोर एक पाई बन गया सुंदर आ, <clears throat> और हैदराबाद से कुछ लोगों ने बड़ा सुंदर काम करा मुझे लगा ये वीडियो देख सकते हैं बीपीएस हैदराबाद के बच्चे हैं सुंदर काम करा है इनकी मैम ने पूरा प्रोजेक्ट ले लिया कि किस तरह से पाई को हम ड्राइंग के माध्यम से दिखा सकते हैं और आज हम देखेंगे कि ना सिर्फ ड्राइंग के माध्यम से बट हिंदी <laughs> अपनी मातृभाषा के माध्यम से या आपकी जो भी मातृभाषा है वी कैन राइट पाई इन आवर ओन मदर टंग एंड वी कैन राइट पाई एज अ ड्राॅइंग एज पार्ट ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी ऑल ऑफ दैट बट सो जुड़े रहिए आज हम इतिहास की भी चर्चा करेंगे और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था आसपास की चीज़ों में पत्तियों में और इन सब चीज़ों में पाइंड ढूंढने की कोशिश करेंगे पर सबसे पहले आपके सामने सबसे पहले जो हम करेंगे वो पाइंडुलम बनाएंगे पेंडुलम तो आपने बहुत सुना होगा पर आज हम आपके सामने पाइंडुलम बनाएंगे और पाइंडुलम बनाने के पहले सबसे पहला आपका सवाल ये आ रहा है और सवाल अस फर्स्ट आज दिस क्वेश्चन कल्पना करें पेंडुलम आपको पता है एक धागे पर एक साधारण से धागे पर एक भारी सी ताकि धागा ना टूटे कुछ भारी सी गेंद या लोहे का कुछ बांध दिया और उसको हिलाया तो उसको पेंडुलम बोलते हैं है ना तो वो पेंडुलम है उस पेंडुलम के अंदर भी पाई बैठा हुआ है हमारे पाई पाई जो पाई भाई साहब हैं वो बैठे हुए हैं और उसको जाने के लिए सबसे पहले आपका स्क्रीन पर ये सवाल आ रहा है सवाल सवाल है आ, ओ पिछले वाले सवाल के तो उत्तर ही नहीं देखे सॉरी अबाउट वो होपफुली बाद में गड़बड़ हो गई कोई बात नहीं आई होप जिसने भी हमारे साथी लोगों ने अगर कुछ देखे हो तो उसके उत्तर मुझे काम में बता दे पेंडुलम <laughs> सवाल आपका है द पेंडुलम ऑसिलेट्स इन पाई सेकेंड यानी हिलने की उसकी जितना समय लगाता है वो पाई है सेकंड इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और आपके जवाब हैं 1.5 सीधे धागे में पाई नहीं होता <laughs> बहुत अच्छी बात है पांच मीटर और दस मीटर चलिए और काफी वेरिड उत्तर आ रहे हैं इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लीज गो टू आइटम पुल डॉट कॉम स्लैश सीसीएल स्लैश लाइव पाईडे मजा लीजिए um uh, cclitempool.com/ccl/live अगर uh, हमारा जो पेंडुलम है उसकी टाइम पीरियड यानी एक एक चक्कर लगाने में उसको पाई सेकंड्स लगते हैं तो लंबाई कितनी है चलिए ये देख लेते हैं और इसका उत्तर देख लेते हैं बहुत सुंदर ढाई मीटर ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया बिल्कुल सही है 2.45 इनफैक्ट द आंसर इज वेरी इंटरेस्टिंग और काफ़ी सारे लोगों ने कुछ आ, 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 कुछ लोगों ने ए 1.5 भी दिया फिर डी भी दिया और सी सत्ताईस लोगों ने कहा कि धागे में पाई नहीं होता है बिल्कुल बिल्कुल डिपेंड्स ऑन हर चीज़ की नज़र नज़र का फ़र्क है धागे को गोल घुमा दीजिए तो पाई होगा धागे को जमीन पर बिछा दीजिए लंबा लंबा उसके ऊपर पत्ती डाल दीजिए तो पाई होगा हर किसी चीज़ को भी किस नज़र से देखें पाई वहीं पर छुप आपके सामने आ भी जाएगा और गायब भी हो जाएगा चश्मा हटाने की ज़रूरत है और uh, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ढाई uh, कैसे आया ऑफ कोर्स uh, मैं इसको थोड़ा सा आईपैड में लिख कर दिखाने की कोशिश करता हूँ छब्बीस नंबर की स्लाइड मेरी ब्लैंक स्लाइड थी ये आ गई ठीक है टाइम पीरियड नॉर्मली क्या होता है रूट ऑफ एल बाय जी तो अगर हमने लेंथ को सो इफ वी टेक जी एज कैंसिल कर देते हैं सो इफ वी टेक एल एज जी बाई फोर देन यू विल गेट टी इज इक्वल टू पाई ओ यहाँ पर ये यह पाई आएगा ठीक है तो बेसिकली uh, uh, तो जी uh, जी uh, अगर हम 9.8 मान लें तो ये 9.8 पॉइंट एट बटे चार टू लगभग 2.5 मीटर अगर हमारी रस्सी लंबी होगी तो हमारा पाई बिल्कुल सामने सामने आपके सामने आ जाएगा और यही प्रयोग बहुत सुंदर ये गतिविधि आप बिल्कुल अपने आराम से अपने घर पर कर सकते हैं और अपने एंड लेट्स लेट्स लुक एट दिस ब्यूटिफुल फिल्म दैट हैव ट दैल्यू ऑफ पायस्यू जी बाई फोर तो बहुत सुंदर प्रयोग है अलग अलग तरीके से आज हम पाई को ढूंढने की कोशिश करेंगे और, उसके, उसके और चीज कर लेते हैं और ये बड़ा ही सुंदर है और आप क्या कर सकते हैं ये इसको करने के लिए बड़ा ही सुंदर साधारण सी चीज है एक गताल है और उसके मतलब एक बेसिकली स्क्वायर ले लें ये स्क्वायर मतलब ये पहले स्क्वायर बनाया हुआ था ये चार चीज़ें अगर हमने रख दी ये चार कोने काट दिए नीचे भी ऐसे ही चार लगा दिए थे तो ये स्क्वायर बन जाएगा इसमें से गोला काट लें और फिर क्या करें इसका वज़न ले लें और फिर इसको पूरे को चारों को लेकर वजन ले लें तो इसका वज़न पाई आएगा और इसका वज़न दोनों को ले लें तो फोर आएगा यानी दोनों के वजन का रेशियो पाई बाय फोर में होना चाहिए और ये अगर हम करके देखेंगे तो आपके सामने पाई बिल्कुल सामने सामने ये आ जाएगा जैसा कि स्क्रीन में आप देख पाएंगे ये जब गोला लिया तो पॉइंट जीरो एट नाइन आया और स्क्वायर का लिया और ये ये जो चीज़ थी ये बची हुई ये कट के चार पीसेस बाहर आ गए ऑफ कोर्स एंड दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ थ्री पॉइंट वन सेवन सुंदर आप लोगों ने सोचा कि गोले में पाई है और हम लोग तो आर्किमिडीज इसकी हिस्ट्री में चर्चा करेंगे आर्किमिडीज और ने जो काम करा था वो नाप नाप कर पेरीमीटर को नाप नाप कर करा था और हमने सोचा कि क्यों ना वजन से वो काम कर दें एंड ऑफ कोर्स दिस हैपन बिकॉज यू नो द वेट इज़ प्रपोर्शनल टू द वॉल्यूम एंड दैट इज़ प्रपोर्शनल टू द एरिया क्योंकि थिकनेस दोनों की बराबर है तो इसलिए एक और बड़ा सुंदर प्रयोग है मुझे सोचा कि एक, एक, एक पहली या प्रश्न दिमाग में आया था एक मान लीजिए आपके पास ड्रम है उसमें 314 लीटर पानी आता है 314 लीटर पानी आता है उसके सराउंडिंग एंड क्लोजिंग मान लीजिए कोई और एक बड़ा सा चौकोन ड्रम है चौकोन बीच में गोल ड्रम है और चारों तरफ चौकोन ड्रम है बहुत बढ़िया जैसे शरबत की बोतलों में आता है बीच में शरबत की गोल बोतल है चारों तरफ चौकोन रहता है तो अगर शरबत की बोतल तीन सौ चौदह लीटर की अब शरबत की बोतल तीन सौ चौदह लीटर की होगी तो पूरा गाँव आपका शरबत पी लेगा पर मान लीजिए कि तीन लीटर और थ्री पॉइंट वन फोर लीटर की है तो जो बाकी बची हुई जगह है वो कितनी होगी वो चार लीटर होगी कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है क्यों क्योंकि उसका रेशियो पाइस टू फोर में होगा अगर बोतल 3.14 है या बोतल 314 है तो बची हुई चीज़ चार ही होगी या 400 ही होगी तो 400 लीटर या चार लीटर डिपेंड करता है आपने कौन सी बोतल खरीदी बहुत बढ़िया चलिए तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम नाप लें और, और अब और भी सुंदर चीज़ हम देखना चाहेंगे और वो ये सुंदर सुंदर बहुत ही सुंदर और इसको जानने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटा सा आपको ये दिखा देता हूँ फिल्म दिखा देता हूँ ये सवाल पूछ लेते हैं पहले चलिए या उसको करने के पहले 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 ये फिल्म दिखा सकते हैं सुंदर सुंदर फिल्म है और ये देखिए हमने क्या करा है ये एक सोप फिल्म के अंदर किस तरह से पाई और गोला छुपाया हुआ है उसका एक सुंदर उदाहरण है पहले फिल्म देख लेते हैं बहुत ही सुंदर फिल्म है सोप फिल्म आप और बड़े आसानी से कर सकते हैं हम इसको लाइव आपको नहीं दिखा रहे क्योंकि बहुत बड़ा है और टेबल मैसी हो गई अगर पानी गिर गया तो पूरा एपिसोड बर्बाद हो जाएगा एंड दैट्स वाई छोटा वर्जन इसका दिखाएंगे बट सोप फिल्म हैव एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी सोप फिल्म समझते हैं? मतलब आप पानी में साबुन कोई सा भी साबुन घोल लें जितना ज़्यादा हो ये जो हानिकारक साबुन है उनका प्रयोग कम करें ये जो जिसमें हरे नीले द चीपेस्ट सस्ता सोप इज द सोप दैट जो चूहा खा जाता है आपके घर में अगर चूहा आके सोप खा रहा है इसका मतलब वो सोप बढ़िया है क्योंकि अगर ये हरे नीले पीले सोप होते हैं ना इनके अंदर काफ़ी सारे कॉस्टिक केमिकल्स होते हैं शायद क्लोरिन भी होती उसको चूहा कभी नहीं खाएगा सो द द चीपर और जिसको देसी साबुन बोलते हैं एनी तो वो साबुन ले लीजिए साबुन पानी में घोल दिया और उसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन अगर डाल दी अच्छी सोप फिल्म बन जाती है सोप फिल्म की प्रॉपर्टी क्या है वो अपना सर्फेस एरिया मिनिमाइज करती है सबसे कम वो इस शेप में आएगी कि सबसे कम हो जाए और इसका प्रयोग करके बड़ा ही सुंदर ये प्रयोग हमारे साथी लोगों ने करा मैं आपको इसकी दिखा देता हूं। फिल्म है आ, ये बनाई और इसके ऊपर एक धागा डाल दिया और बीच से धागे को फोड़ दिया ओ अपने आप धागा गोला बन गया बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर और इसी से जुड़ी थोड़ा मजे भी कर सकते हैं अब आप देखिए ये मजेदार चीज आप सोप फिल्म से अगर आप लैब में काम करेंगे सीसीएल में तो ये सब भी होगा अब वो खेल खेल रहे थे तो खेलते खेलते कुछ और भी हो गया बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बड़े वाला <coughs> चलिए तो किस तरह से और और ये चीज़ आगे बढ़ने के पहले हम आपको एक और आ, मैं सोचा था कि आपको दिखा दूँ कि किस तरह से ये चीज़ बनाई ये ये है होपली दिख रही है बिल्कुल सामने ठीक है नहीं साधारण से तार को मोड़ दिया बिल्कुल गोल गोल लपेट करके कोई भी शेप बना दी इसके साथ आप आराम से खेल सकते हैं और इसके अंदर अपने अंदर का इसके अंदर का पाई भी ढूंढा जा सकता है सुंदर है और एंड सो फिल्म ऑफ कोर्स हैव द प्रॉपर्टी दैट यू नो दे ट्राई टू मिनिमाइज सरफेस एरिया और उसको देखने के लिए आपके स्क्रीन पर ये दूसरा सवाल आ रहा है और सवाल ये है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सोप फिल्म्स ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज द सर्फेस एरिया और ये कल्पना करिए और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस और मैथ भी है और वो मैं आपके साथ अभी अगले दो मिनट में शेयर करूंगा और छोटा सा सवाल है मान लीजिए चार शहर हैं और वो चारों एक स्क्वायर के चार कोनों पर हैं यानी उनके बीच में दूरियां बराबर हैं और बिल्कुल राइट एंगल्स पर स्क्वायर के चारों कोने पर चार आ, 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 क्या कहते हैं आ, ये सिटीज़ हैं और इनके बीच में आपको सड़क बनानी है और आप चाहते हैं कि ऐसी सड़क बने कि चारों कनेक्ट हो जाए आपस में लेकिन सबसे कम मलबा लगे सबसे कम कोलतार लगे सबसे कम पत्थर लगे तो वो सड़क कैसे बनाएंगे ताकि चारों सिटीज़ कनेक्ट हो जाएँ और उसको ये चार आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पर भी सवाल आ रहा है बट दीज आर द फोर ऑप्शन दीज आर फोर सिटीज़ फॉर यू एक दो तीन चार या तो इस तरह से जोड़ सकते हैं या इस तरह से जोड़ सकते हैं या एच या आई जो भी है या फिर ये तो ये ए डायगोनल बी लाइक अ स्क्वेयर डी लाइक एन एच एंड सी ये जो भी है शेप उल्टी सीधी जैसी भी दिख रहे दिस इज योर क्वेश्चन प्लीज़ गो टू आइटम पुल ए बी सी डी कौन से वाले सवाल है uh, uh, सबसे सिटीज़ में सबसे uh, जोड़ने के लिए सबसे uh, uh, कम uh, अगर आप हमको लंबाई रखनी है सड़क की तो वो क्या शेप होगी चलिए दो चीज़ें और शेयर करनी है वो करके मैं फिर बड़ी सुंदर कहानी है और मैं मैंने जब ये बात पूना में सीखी थी तो मैं थोड़ा सा भौचक्का रह गया कि ये बात कभी सोची नहीं थी इनफैक्ट अब उत्तर देख सकते हैं उत्तर देख सकते हैं और काफ़ी सारे लोगों ने जो उत्तर दिया सी वो बिल्कुल ठीक है काफ़ी सारे लोगों ने ए भी उत्तर दिया वो मुझे नंबर दिख नहीं रहा है ताकि वो नंबर स्क्रीन में के बाहर ना 166 है ए का नंबर सी का नंबर मुझे आ, नहीं पता कितना है और डी भी काफ़ी लोगों ने दिया आ, और मैं ये देखना चाह रहा था कि हाँ सबसे बढ़िया मैं तो बोलना ही भूल बोल गया यार दिस वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इन आई था आई शुड टेल यू सबसे ज़्यादा लोगों ने जो दिया है मैं उनकी उनके लिए तारीफ़ और उनकी तालियाँ बजाना चाहूँगा क्योंकि मेरे पिताजी खुद पी डब्ल्यू डी में काम करते हैं तो वहीं से रिटायर हुए आ, शायद देख भी रहे हैं ये तो ई जो नंबर है वो क्या है ये मेरा काम नहीं है पी डब्ल्यू ऐसे ही कुछ लिखा है शायद हमने यही लिखा था मैं फिर से चश्मा पढ़ के लिख लेता हूँ ये मेरा काम नहीं ये मेरा नहीं पी डब्ल्यू डी का काम है बहुत सही हम क्यों सड़क बनाए ये तो पी डब्ल्यू डी का काम है बहुत सुंदर ग्यारह लोगों को ऐसा लगता है कि सड़क बनाए पीडब्ल्यू डी काम है सही कह रहे हैं बट uh, ये सवाल कुछ और था चलिए देख लेते हैं उत्तर क्या है और क्यों uh, उत्तर क्या है उत्तर है uh, ये वाला दिस इज़ द राइट आंसर लेट्स सी दिस इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली टू रूट टू अगर वन मान ले तो ये डायगनल टू रूट टू ये चार हो गई इनफैक्ट चौथी लाइन की जरूरत भी नहीं है ये तीन अगर जोड़ें तो भी कनेक्ट हो जाएगी तो इसको तीन भी बोल सकते हैं तो ना ये टू रूट टू है तीन से कम टू रूट टू फिर हमने ये देखा ये ये भी तीन है और ये आप करके देंगे तो यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज रूट थ्री प्लस वन इसकी वैल्यू आप करके देखिए और ये एंगल एक सौ बीस डिग्री आता है करके देखिए बड़ा सुंदर है और रूट थ्री प्लस वन इज एक्चुअली लेस देन टू रूट टू तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला ये वाला शॉर्टेस्ट पाथ है शॉर्टेस्ट पाथ है और क्यों शॉर्टेस्ट पाथ है इसको भी देख लेते हैं और इसको प्रूव कर देते हैं इनफैक्ट नेचर इज सो इंटरेस्टिंग जिसका हम दोहन कर रहे हैं इज सो इंटरेस्टिंग अगर आपके पास बत्तीस या चौ मान लेते हैं चौंसठ शहरों भारत में तो बहुत सारे शहर हैं मान लीजिए भारत के चौसठ शहर हैं और उनके बीच में सड़क बिछानी है और आपको पता करना है सबसे छोटी सड़क कैसी हो जो सबको कनेक्ट कर दे ये करने में कंप्यूटर आज के कंप्यूटर फास्टेस्ट कंप्यूटर विल टेक ईयर्स ईयर्स एंड मे बी नेवर एंड कभी नहीं हो पाएगा लेकिन अगर उसको हमने नेचर में सोप फिल्म के माध्यम से करा दो सेकंड में या मे भी एक सेकंड में उत्तर आ जाएगा तो मैं 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 कह रहा था कि जिस तरह से अगर आपके शहर पर बत्तीस मान लीजिए वो हैं या चौंसठ आपके पास आ, आ, वो हैं शहर जिनके बीच में आपको लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कंप्यूटर करने में वो सालों लगा देगा अरबों मतलब हज़ारों साल लगा देगा लेकिन वो आप काम खुद अगर इस तरह का मॉडल बना दें और उसको सोप फिल्म में डालें और बाहर निकालेंगे तो वो जो सोप फिल्म की शेप बनेगी दैट विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ वाई बिकॉज बिकॉज ऑफ सर्फेस टेंशन दिस ट्राइज टू कंजर्व द सर्फेस एरिया मतलब सबसे कम uh, इसीलिए बीच में से जब हमने उसको फोड़ा तो बीच की बाहर की चीज़ ने उसको खींचा और सबसे कम सर्फेस uh, एरिया uh, किसका होता है uh, um, uh, तो अंदर का सर्फेस ऑफ कोर्स मिनिमाइज़ होगा बाहर का मिनिमाइज़ uh, <coughs> होगा तो अंदर का मैक्सिमाइज होना चाहिए तो इसीलिए अंदर का चीज़ गोल हो जाएगी बिकॉज दैट ज दर्कल इज द वन फॉर द सेम पैरामीटर इट इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट एरिया तो इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल भी है वो बाद में आपके साथ चर्चा करेंगे इसीलिए जब आपने सोप फिल्म काटी तो बीच में गोला बन गया बाहर तरफ uh, और यही यही अगर आप सोप फिल्म uh, जब आपकी चलेगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी तरह की शेप आपकी सोप फिल्म में बन जाती है बिल्कुल इसी तरह की शेप ये आपको बाहर से ये शेप दिखाएगी खुद आप बनाकर देख लीजिए दिस विल बी योर क्यूब दिस इज़ द शेप दैट यू विल in अ क्यूब hmm. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है बड़ा इंटरेस्टिंग है आ, बहुत मज़ा आया ये सोफिन का काम जब खेलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारी मैथ में होने लगें ये छोटे छोटे खिलौने हमारे आ, और बाकी चीज़ें भी जो हमने बनाई है, बिल्कुल आराम से आप लोग हमसे ई भेजिए सी एल आए और इसी तरह के स्टेम लैब्स और मैथ लैब्स आपके यहाँ अगर बन जाएँ और चलने लग जाएँ और उस तरह हमें उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें होने लग जाएँ तब एक नज़ारा ही अलग आएगा और न, कहते हैं जब दृष्टिकोण बदलेंगे तो नज़ारे नज़र बदलेगी तो नज़ारे भी बदल जाएंगे सो विद दैट आई विल हैव आई हैव जस्ट वन और टू मोर थिंग्स टू शो एंड आई यू नो थॉट जो बड़ा इंटरेस्टिंग कल रात हमने जो काम करा मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ पर उसके पहले मैं दो चीज़ें आपको याद दिलाना चाहूँगा हमने पाई में और इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ सबसे पहला सवाल जो आपके पास आया था कि ये जो पाई आर स्क्वायर है हमें रटवाया गया था कि ये गोले के लिए और आज आप जुड़े रहिएगा अंत तक आप पा जाएंगे कि ये पाई आर स्क्वायर जो है गोले के लिए नहीं है ये सभी पॉलीगंस के लिए है एनी रेगुलर पॉलीगन आर स्क्वायर दृष्टि दृष्टि का फर्क है बार बार यही बात आ जाती है दृष्टि दृष्टि का फर्क है वो पाई क्या है वो अलग है लेकिन फॉर्मूला पाईआर स्क्वायर ही है एवरी सिंगल सो so पाईआर स्क्वायर इज नॉट ट्रू जस्ट फॉर द सर्कल मीन कोर्स इट इज़ ट्रू बिकॉज इफ यू टेक द वैल्यू ऑफ पायज यू नो दिस ट्रांसेंडेंटल नंबर ये नंबर जो कभी भी खत्म नहीं होता इतने सारे लोग आए चले गए ढूंढते रहे वो सब खत्म हो गए पाई कभी खत्म नहीं हुआ पाई तो इनफिनिट तक चलता रहेगा 50 ट्रिलियन डिजिट्स किसी ने निकाल दी गूगल में खाली बैठ खाली मतलब मुझे पता नहीं वो खाली बैठे नहीं फिफ्टी ट्रिलियन डिजिट्स क्यों कर रहे हैं ये सब काम ये इसके बारे में भी आप लोग सोचिएगा क्यों कर रहे हैं क्यों निकालनी है आर्यभट्ट ने जो काम करा थ्री दैट्स इट सिक्स uh, uh, मतलब थ्री फोर थ्री थ्री वन फोर वन सिक्स को डबल कर दें बटेट बीस हज़ार सिर्फ उसने निकाल दिया था और उससे हमारा सारा काम चल जाता है इनफैक्ट शायद बारह डिजिट्स या सोलह डिजिट्स तक की अगर हम पाई की वैल्यू ले लें तो पूरा यूनिवर्स में जितना भी सब कुछ सब कुछ कर सकते हैं तो इतना लंबा लंबा लंब, पचास ट्रिलियन डिजिट तक क्यों जा रहे हैं क्योंकि क्योंकि अच्छा लगता है क्योंकि मज़ा आता है कुछ करने में इस तरह की चीज़ें खोजें करें नए नए पाई के गाने बनाएं नए पाई की अपने हिंदी के गाने बनाएं नए पाई पर अपनी ड्राइंग बनाएं यही हमारे आ, आ, आज स्टेम आ, आ, और अलग अलग चीज़ों में पाई ढूंढे तो हाँ मैं कह रहा था कि पाई आर स्क्वायर जैसे आपने गोले में देखा आज हम आपको दिखाएंगे कि गोले में ही नहीं हर तरीके के पॉलीगन में है और ये बताया था कि गोले में ही पाई होता है आपने जैसे बूफा नीडल में देखा था और उससे जुड़ी हुई मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा और आपका सी सवाल अक्चुअल हमने बनाया नहीं बना लेना चाहिए था बट लेट मी जस्ट शो यू दैट पिक्चर ब्यूटिफुल पिक्चर आई थिंक हमारे कैंपस की भी uh, ये बहुत सुंदर पिक्चर uh, है शायद आपको स्क्रीन पर दिख रही है क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में uh, मैं ऑफ कोर्स लाइव में हम आपसे पूछ नहीं सकते बट ये uh, एक ज़मीन पर नीम की पत्तियां टूटी हुई पड़ी हुई हैं और कुछ नहीं है लेकिन ध्यान से देखिए कुछ और भी है इसके अंदर पाई बैठा हुआ है छुपा हुआ है बैठा हुआ है आपको सिर्फ नजर बढ़ानी है आपको क्या करना है सिर्फ ऐसे ऐसे लाइनें खींच लीजिए बराबर बराबर दूरी पर और कितनी ये पत्तियां इस लाइन पर टच हो रही हैं या नहीं हो रही है नाप लीजिए और आपका पाई आ जाएगा वो रेशियो टोटल कितनी पत्तियां हैं और कितनी पत्तियां टच हुई सिर्फ ये ढूंढने से पाई आ जाएगा पत्तियों में पाई बैठा है झाड़ू की डंडियों में पाई बैठा है बाहर फेंक दीजिए इसको क्या करा है? हमने सिर्फ झाड़ू की डंडियों को आ, एक टेप से जोड़ दिया और इसको ज़मीन पर फेंक दीजिए जहां रैंडमली पत्तियां पड़ी हुई हैं और पत्तियां गिन लीजिए कितनी पत्तियां इस डंडी को टच करती हैं टोटल पत्तियां कितनी हैं उसका रेशियो पाई है बूफा नीडल हमें कभी नहीं लगता था कि सीधी डंडियों में झाड़ियों की सीख में पाई है और पत्तियों में पाई है वो आप बिल्कुल ये प्रयोग करके देख सकते हैं बाहर जाकर खेल कर कर सकते हैं और जहाँ पर हमें लगता था पाई है वहाँ से पाई गायब हो जाता है ये भी मैं पिछली बार हमने बताया था मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है रिवाइज़ कर देता हूँ कि गोले में पाई है बिकॉज द सर्कम्फ्रेंस बाय डायमीटर इज पाई हाउ एवर वेन द सर्कल स्टार्ट्स टू मूव और उसकी मैं एक सेकेंड में आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ बिकॉज ये लेट मी जस्ट फिगर आउट वेयर दैट वीडियो इज ये रही चलिए और जब ये सर्कल मूव करना चालू कर दिया जब ये सर्कल मूव करना चालू कर दिया uh, एक सेकेंड ये हाँ ये वाला है दोबारा दिखा देते हैं ये वाला देखिए जब सर्कल ने मूव करना चालू कर दिया फिर से देख लेते हैं ये जब सर्कल मूव करता है और उसका एक पॉइंट क्या ट्रेस करता है ये वाला पाथ ट्रेस करता है ये वाला पाठ प्रेस कर देता है ये वाला पार्ट और इस पाथ की लंबाई आठ है एट लेकिन ये जो गोला था इस गोले में रेड बट ग्रीन लेट मी जस्ट मेक इट लेट सम अदर कलर येलो लेट से येलो बाय रेड इज इक्वल टू पाई ये तो हमें पता है ये तो हमने बहुत पहले पढ़ा है लेकिन जब ये गोला घूमने लग गया तो ब्लू ओ, ब्लू को ब्लू से ही लिखते हैं <laughs> ब्लू को ब्लू से ही लिख देते हैं ब्लू इज इक्वल टू एट ये पाई है और ये एट है इसको साइक्लॉयड बोलते हैं ये जो ब्लू में आपको चित्र दिख रहा है ये साइक्लॉयड है और साइक्लॉइड में इस ये ये जो ये ये पाथ है ये साइक्लॉयड है साइक्लॉयड में पाई गायब हो गया यानी गोला जब स्थिर है तो पाई है गोला चलने लग गया तो पाई रस्ते में लुढ़क गया और किस तरह से और जगह से भी लुढ़कता है मैं आपको दो मिनट में अब मेरे पास समय थोड़ा सा लग रहा है कि कम है मैं आपको एक एक दो चीज़ और दिखा देता हूँ किस तरह से जो हमने बनाई और एक पत्ती जो हमने दिखाई थी आपको एक पत्ती तो हमने दिखाई थी लेट मी जस्ट शो यू दैट पत्ती हाँ एक पत्ती तो हमने दिखाई थी कि उसमें पाई किस तरह से है और ये दूसरी पत्तियां आपको दिखाता हूं बड़ा ही सुंदर प्रयोग हमारे आ, साथी लोगों ने करा है ये देखिए ये चार पत्तियां हैं और इस चार पत्तियों को इस्तेमाल करके किस तरह से आप एक एक गोला एक डब्बा बना सकते हैं और जिसके अंदर पाई होगा ही नहीं गायब हो जाएगा ये चार पत्तियाँ इसके बीच में बॉल रख दी और ये स्पेशल पत्तियाँ हैं ये कोई साधारण पत्तियाँ नहीं हैं मतलब इट इज ऑफकोर्स इनकी शेप अलग है बिल्कुल डब्बा बंद हो गया और ये नो पाई डब्बा और यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था अगर इस तरह की चीज़ें बनने लग जाए ये वो पत्तियाँ हैं ये नो no पाई का डब्बा है एक एक पत्ती एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज ये पूरी चीज़ सामने से देखेंगे तो आपको गोला दिखेगा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ अ सिलेंडर दिस एंड दिस आर पार्ट ऑफ अ सिलेंडर बट मोस्ट इंटरेस्टिंगली कि इसके एरिया में और इसके वॉल्यूम में पाई गायब है इवन दो दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सिलेंडर्स ये छोटे में देख सकते हैं ये छोटा प्रयोग ये, ये 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 जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया और ये कागज़ से भी बना सकते हैं दीज आर टू सिलेंडर्स विच आर इंटरसेक्टिंग यहाँ पर और यहाँ पर और इसके कागज़ के एरिया में पाई नहीं है और इसके अंदर मट्टी भर दें तो उसमें भी पाई नहीं है हालांकि सिलेंडर के अंदर तो पाई बोथ एरिया एंड वॉल्यूम में पाई बैठा है पाईआर स्क्वेरज और ये इतना इंटरेस्टिंग कैसे हुआ और ये डब्बा कल्पना करिए नो पाई डब्बा अगर हम ये बनाने लग जाए ये थोड़ा सा हमारा यू नो यहाँ पर इसको बंद ठीक से करना पड़ेगा ये लकड़ी से बड़ा सुंदर और इस तरह के खिलौने इस तरह के लैम्प्स इस तरह के खिलौने इस तरह नो पाई डब्बा अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ सेंड अस एन ईमेल वी विल बी वेरी हैप्पी टू यू नो वर्क टुगेदर एंड एन सी हाउ यू कैन सेटअप सम ऑफ दीज लैब्स सम ऑफ़ दीज math labs all across all across the country. <coughs> चलिए तो जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा था वो ये कि किस तरह से पाई अब हम इस लॉकी में देखेंगे कि आता भी है और गायब भी हो जाता है तो हमने ये सब तो देख लिया अब देख लीजिए चलिए ओवरहेड को मैं चालू कर देता हूँ किस ये बात हमने देखी थी बट आ, मुझे लगा कि इस बात को आ, रिपीट कर सकते हैं वो इसलिए क्योंकि लौकी के अंदर भी पाई है अगली बार जब स, अपनी आ, 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 लौकी या खीरा भी है मेरे पास बट शायद खीरे में शायद दिखे नहीं तो मैंने सोचा लौकी और फिर इसका सूप बना के शाम को हजम कर जाएंगे तो वी विल नॉट वेस्ट इट ऑफ कोर्स बट द होल पॉइंट इज़ नेक्स्ट टाइम वेन यू स्टार्ट वर्किंग विद योर यू नो पेरेंट्स और योर एज अ टीचर इन योर हाउस होल्ड मैटर वेर यूर फ्रॉम पाई ढूंढने की कोशिश करिए ओवर हेड में ले चलता हूँ बंद करनी पड़ेगी तो ओवर आपको यहाँ पर यह दिख रहा होगा बहुत सुंदर ये देखिए तो मैंने क्या करा ये एक साधारण सा सिलेंडर काट दिया और इनको हटा दिया यहाँ पर एंड ये मेरा एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को ये ऊपर आप देख रहे हैं ये गोला है इस गोले के अंदर पाई है ध्यान रखिए ये गोला है क्योंकि तो इसके अंदर पाई है सिलेंडर का ये जो पार्ट है ये भी पाई आर स्क्वायर एच है मतलब टू पाई आर और टाइम्स एच तो अगर इसको सबको वन वन मान लें रेडियस और हाइट तो ये पाई आर स्क्वायर ऊपर इसका एरिया पाई है इसका वॉल्यूम भी पाई है और इसका सरफेस एरिया कितना हुआ वो भी टू पाई है क्योंकि ये घूम गया और अब मान लीजिए मैंने इसको यहां से तिरछा इस कोने से लेकर इस कोने तक तिरछा काट दिया बड़े आसानी से कर सकते हैं आप ये देखिए यहां पर ले जाकर तिरछा काट दिया बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर तो ये क्या हुआ दो पीस बन गए बराबर बराबर फकोर्स इसका भी पाई बाई टू हो गया जो पहले था वॉल्यूम और और लेकिन इसका एरिया टू पाई था तो अब ये घट के पाई बन गया यानी ये जो पूरा छिलका है ये पाई है तो इसको छील लेते हैं अब इसके छिलके में पाई है और वॉल्यूम में भी पाई है पाई बाई टू है तो अब मैंने इसका छिलका आपके सामने ये अपने चाकू से पूरा उतार लेता हूँ ये शायद हमने पहले भी अपने एपिसोड में करा था मैंने सोचा लेकिन पाई से जुड़ी हुई चीज़ है इस बार बताना जरूरी है और ये छिलका बच गया ये छिलका पाई है दिस छिलका इस पाई पेन में ढूंढ लेता हूँ मार्कर पेन तो ये छिलका हमारा बिल्कुल सुंदर ये छिलका हमारा ये उर, पूरा एरिया अगर हमने बना लिया तो ये पाई है और द मोस्ट और इसकी और ये 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 जो छिलका है ये वेव ये साइन वेव है इसका प्रूफ क्या है ये भी हम देख सकते हैं और प्रूफ देखने के लिए मैं बाद में जब अपने अम, अ, सामने वाले कैमरे में आऊँगा तब दिखा दूंगा लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज इसको अगर हम आधा काट दें बिल्कुल लंबाई से आधा ये तो ये बचा हुआ भाग जो है ये ऊपर वाला जो भाग है इसका एरिया वन यानी इसको अगर आधा कर दें तो इसमें पूरे में पाई है लेकिन आधा कर देते हैं तो ये जो ये ये वाला भाग है इसको नीले में अगर दिखा दें तो ये वन है ये ये चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग महत्वपूर्ण अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से इसको देख सकते हैं और इसी तरह से ये जो आधा भाग था ये आधा भाग देखिए इसके ऊपर बिल्कुल फिट आ रहा है और इसी आधे भाग में इस छिलके में भी पाई नहीं है लेकिन इस वाला जो पीस है इसको भी अगर हम आधा कर दें तो इसके वॉल्यूम में भी पाई नहीं है बोथ द छिलका एंड वॉल्यूम नो पाए नो पाए नो पाए नो पाए, नो पाए। बिल्कुल बोथ द वॉल्यूम एंड छिलका नो पाए ये देखिए इसके अंदर छिलके में भी पाई नहीं है और वॉल्यूम में भी पाई नहीं है लेकिन पूरा चीज़ अगर रख लें तो दोनों में पाई आ जाता है पाई कहां से गायब हो गया आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग एंड यू कैन ऑफकोर्स इंटीग्रेट यू नो इंटीग्रेट वन माइनस को साइन ऑफ एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई आप कर लीजिए आप पाएंगे कि एक में पाई आ जाता है लेकिन साइन ऑफ एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पाई गायब हो जाएगा लेकिन अगर मैं साधारण तरीके से देखूँ तो कैसे बताऊँ कि ये जो वेव है ये एक्चुअली में साइन वेव ही है इसके अंदर और इसके अंदर के एरिया में पाई नहीं है लेकिन पूरी वे देखो तो पाई है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है अगली बार जब आप लौकी और खीरे के साथ खेलें या आ, आ, तो आपको ये चीज़ें आपको उसके अंदर पाई दिखे आता हुआ दिखाई दे और जाता हुआ दिखाई दे तब असली में थर्टी थर्टी का उद्देश्य पूरा पूरी तरह से समाप्त होता है सो यू नो थैंक यू वेरी मच आई एंड एंड ऑफ कोर्स प्लीज़ यू नो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हिस्ट्री टॉक अबाउट हाउ पाइज देयर इन द लैंग्वेज जैसे मैं आपको शुरू की पूरी एक अगर पहली वाली आपको स्लाइड दिखाऊं और क्लाइडिंग ब्लॉक शायद बचा हुआ है वो मैं एक एक मिनट में बता दूँगा बट देट मीन जस्ट टेक यू टू द फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड फर्स्ट स्लाइड ये वाली स्लाइड बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं uh, जुड़े uh, ये, ये 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 वाली ये चीज़ ये वाली चीज़ बहुत सुंदर तरीक़ों से इतनी सारी चीज़ों में पाई बैठा हुआ है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे बट उसके पहले एक छोटी सी एक छोटी सी आ, 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 पाई को हमने देखा कि किस तरह से गोले में बैठा है लेकिन क्यूब्स में भी बैठा है और एक मिनट में वो देख लेते हैं और बड़ा सुंदर काम ये करा था आ, मैं उनका नाम भूल रहा हूं मैं नाम एक सेकेंड देख लेता हूं नाम है उनका आ, गैल पेरिन जिन्होंने बड़ी ही सुंदर प्रयोग करके ये चीज़ दिखाई कि किस तरह से पाई दो क्यूब्स में बैठा है दो क्यूब्स में टक्कर जब दो क्यूब्स खाते हैं अमाउंट ऑफ टॉर इसके इसको समझने के लिए एक छोटा सा ये वीडियो देख सकते हैं अपन आ, ये दो गोले हैं जो आपस में टक्कर खा रहे हैं एक एक किलो के हैं और ये हमने अपने ये एक, एक थ्री ब्लू वन ब्राउन चैनल है वहां से उन्होंने जी इसके ऊपर बढ़िया वीडियो बनाया था उसके ऊपर देख कर आईपैड आई स्विच कर देते हैं सॉरी ये फिर से दिखाना पड़ेगा एक बार फिर से दिखा देते हैं दो क्यूब्स हैं एक एक किलो के आपस में टक्कर खाएंगे नो लॉस इन एनर्जी परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूशंस और ये दीवार है एक एक किलो के हैं टक्कर खाई देखिए कितने बार कोल्यूशन हुआ तीन बार हुआ और अब सौ किलो का लिया एक किलो और सौ किलो का इनकी जब टक्कर हुई और ये काम हम ग्रैंड सैंडरसन की थ्री ब्लू वन ब्राउन जो उनका चैनल है वहाँ से हमने उनकी आ, 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 ये ये काम लिया है काम एक्चुअली गैलपरीन का है और ग्रैंड सेंडरसन ने इसके ऊपर बड़ी सुंदर एक वीडियो बनाई वहाँ से हमने और और अगर दस हज़ार किलो हो जाता है और एक किलो का है तो नंबर ऑफ कॉलिशन इज थ्री हंड्रेड एंड थर्टीन बहुत ही सुंदर चीज़ है किस तरह से जब बढ़ता जाता है तो नंबर अमाउंट ऑफ एंड आपको शायद ये पैटर्न दिख गया होगा पर मैं उत्तर नहीं बताऊँगा उसको जाने के लिए ये आपके पास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और वो सवाल है सवाल है <coughs> ओह ये वाला सवाल है ठीक है तो आपने किस तरह से देखा ये धरती वाला सवाल आ गया तो आपने देखा कि किस तरह से अगर आ, आ, एक किलो का दव, के, एक के साथ टक्कर खाए या दस सौ के साथ खाए या दस हज़ार के साथ खाए तो ये आ, कितनी उसमें टक्कर होती है उसके अंदर शायद कुछ बैठा हुआ है वो आपको देखना है और आ, कान में कुछ गड़बड़ हो रही है बंद तो किस तरह से पाई बैठा हुआ है वो हाँ हमें देखने की जरूरत है लेकिन अब कल्पना करिए आप कल्पना करिए कि ये एक किलो के जो हमारा डब्बा है उसके साथ धरती की टक्कर कर दें तब कितनी बार टक्कर होंगी और इसको हम ये आपका आइटम पूल का सवाल है अज्यूमिंग मुझे फिर से चश्मा लगाना पड़ेगा अज्यूमिंग द मास ऑफ द अर्थ टू बी 10 टू द 24 हाउ मेनी कोलिजंस वुड हैपन विद अ 1 केजी ब्लॉक ठीक है चलिए तो क्या सवाल है अगर एक किलो के डब्बे के साथ पूरी धरती की टक्कर करा दी तो कितने कोलिजन होंगे ये बताइए और लगता है एक उत्तर इस बार जीत रहा है और और आइटम पुल डॉट कॉम स्लैश सी सी एल स्लैश लाइव प्लीज़ गो देयर एन आंसर एंड सेंड एस एन ई मेल सी आई एट आई टी जी एन डॉट ए सी डॉट आई एन और थर्टी थर्टी स्टेम एट जी मेल डॉट कॉम काफ़ी सारे जो हमारे ई मेल्स हैं जिससे आपको ई मेल दी जाती है वहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं फ्रेंड्स फैमिली सबको बताकर यू नो वी आर स्टिल लुकिंग फॉर पीपल टू कम यू नो एंड गिव आइडियाज डू सेंड एस एन ई मेल एंड लेट एस नो वट यू लाइक यू चलिए उत्तर देख लेते हैं अपने साथी लोगों को जरूर बताइए ताकि वो सब्सक्राइब करें और ये देख पाए किस तरह से एनी पी आ, उसको छोड़ते हैं अभी ओ सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर दिया वो आ, मैं देखना चाह रहा था सी उत्तर जो लोगों ने दिया पाई टू द पावर ऑफ 24 फिर कुछ लोगों ने दिया ए 24 डिजिट्स ऑफ पाई और सही उत्तर है बी बारह डिजिट्स ऑफ पाई एंड ऑफ कोर्स और वो इसलिए जैसे हमने देखा इसका इंटरेस्टिंग पेपर है गैलपरिन का वो मैं अभी आपको आई की स्क्रीन पर दिखा देता हूँ सुंदर है या आप ग्रैंड का वीडियो भी देख सकते हैं थ्री ब्लू वन ब्राउन पर यह वीडियो है वो भी देख सकते हैं या फिर ये पेपर पढ़ सकते हैं प्लेइंग पूल विद पाई बिलियर्ड्स द नंबर पाई फ्रॉम बिलियर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ये इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ये बिल्कुल पेपर में पढ़ लीजिए और वो यही कहता है कि अगर एक और एक का टक्कर होता है तो पहली डिजिट आती है पाई की एक का सौ के साथ होता है तो दो डिजिट्स आती हैं और हज़ार के साथ होता है तो तीन डिजिट्स आती हैं इस तरह से सौ सौ के मल्टीपल्स में एक एक डिजिट बढ़ती जाती है तो अगर टेन टू द पावर ऑफ़ ट्वेंटी फोर है तो आ, आ, उसको सौ से भाग करना पड़ेगा उतनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स आएंगी तो आई थिंक उत्तर हमने गलत लिख दिया है टेन टू द पावर ऑफ़ ट्वेंटी फोर है तो उसको सौ से अगर यू नो हाँ सौ टू द पावर ऑफ ट्वेंटी फोर मतलब उसके आगे चौबीस जीरो हैं तो उसको uh, कितनी बार सौ सौ से गुणा करेंगे uh, तो आएगा तो फिर यू नो ट्वेल्व डिजिट्स ऑफ पाई आ जाएंगी तो आप सोचिए धरती के साथ भी टक्कर करी तो सिर्फ बारह डिजिट्स ही आई पाएगी ओनली ट्वेल्व डिजिट्स एंड दैट इज़ यू नो ब्यूटी ऑफ दिस यू नो दिस वंडरफुल थिंग मैंने जब पहली बार ये आई थिंक एक दो महीने पहले uh, तीन चार महीने पहले जब ये आ, ये पेपर पुराना है लेकिन इसके ऊपर जो वीडियो बना इतना सुंदर और उत्कृष्ट है चलिए तो आ, बस बढ़िया तो मैं चाहूँगा कि आप ये बिल्कुल जुड़े रहें और अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे पाई के थोड़े से इतिहास के बारे में और उसके बाद हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज किस तरह से पाई लैंग्वेज में आता है और किस तरह से आ, लैंग्वेज में घुसने के बाद हमारी आर्ट यू नो you know, ड्राइंग में किस तरह से आ जाता है तो बिल्कुल और आगे का सत्र लेने के लिए मैं अपने साथी गौरव को बुला रहा हूँ तब तक आप ये हिस्ट्री ऑफ पाए इतिहास भी उतना ही ज़रूरी है जितना वर्तमान है वर्तमान इतना ही ज़रूरी है इतिहास भी उतना ही ज़रूरी है हमें ये जानना जरूरी है कि किस तरह से पाई Uh, आर्यभट्ट के समय से पहले से आया लेकिन आर्यभट्ट ने 3.1416 जो निकाला और घूम घाम कर रामानुजम के बाद आज की तारीख में भी जो सबसे उत्कृष्ट काम का यू नो फास्टेस्ट कन्वर्जिंग सीरीज है वो भी रामानुजम की uh, के द्वारा लिखी गई थी तो वी हैव डन सम वेरी इंटरेस्टिंग वर्क एंड वी हैव टू डू सम मोर विद दैट आई विल टेक यू टू द हिस्ट्री विद नंबर से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है अफ्रीका के कोंगो में बीस हज़ार के आसपास की कुछ हड्डियाँ मिली हैं जिन्हें हम इशांगो बोन के नाम से जानते हैं और ये जो बोन है ये एक बंदर की काफ बोन है जिसपे कुछ लाइनें खिंची हुई हैं जो नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं एंड दिस इज द ओल्डेस्ट प्रूफ ऑफ ह्यूमंस यूजिंग नंबर्स तब से हम नंबरों के पीछे पड़े हुए हैं वो अलग बात है कि आज भी एग्जाम्स में या फिर बर्थडे या एनिवर्सरी याद करते समय वो हमारा साथ छोड़ देते हैं और पाए के बारे में भी हमने बहुत पहले सोचना शुरू कर दिया था चार हजार बीसी से हम पाए के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं सबसे पहले बेबीलोनियंस यानी कि प्रेजेंट डे इराक के लोगों ने इसकी वैल्यू पता लगाई थी और उन्होंने इसको तीन के बराबर माना था इसके बाद 1600 BC से रिंड पेपिर नाम की एक इजिप्शियन बुक मिली है जिसमें पाए का जिक्र है तो इस किताब को हम सबसे पुरानी मैथमेटिक्स की किताब कह सकते हैं और इसके जो राइटर अहमस था उसको सबसे पुराना मैथमेटिशियन इसमें पाए की वैल्यू को कुछ ऐसे बताया गया है कट ऑफ वन नाइन्थ ऑफ अ डायमीटर एंड कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर अपॉन द रिमाइंडर दिस हैज द द सेम एरिया एज सर्कल यानी किसी सर्कल के डायमीटर से वन नाइन्थ पार्ट अगर हम हटा दें तो बचा हुआ जो एट नाइन्थ पार्ट है उतनी लंबाई का एक स्क्वायर अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो उस स्क्वायर का और उस सर्कल का एरिया बराबर होगा तो इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा एट बाय नाइन का स्क्वायर और हमने कहा कि इसका एरिया सर्कल के बराबर है तो इससे पाई की वैल्यू आ जाएगी फोर टाइम्स

आई थिंक ही वुड बी माइल्डली इंबेरेस्ड जब उसे पता चलेगा कि 2000 साल बाद भी लोग उसकी बाथरूम स्टोरी को सबसे ज्यादा याद रखते हैं सो अकॉर्डिंग टू हिज बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज द वॉल्यूम ऑफ अर फोर बाय थ्री पाईआर क्यूब जो हम बोलते हैं एंड इंटरेस्टिंगली ही प्रूव इट जस्ट यूजिंग अ स्वीयर कोन एंड अ सिलेंडर एंड यूजिंग द लॉज ऑफ लीवर आजकल हम इस फॉर्म्यूला को कैलकुलस से प्रूव करते हैं बट द प्रूफ ऑफ आर्किमिडीज इज सो एलिगेंट And it was 1600 years before calculus was invented. His tombstone still has a cone, a sphere, and a cylinder on it. Up this formula is thi. 4 by 3 pi r cube. So, Archimedes set on this mission to find out a more accurate value of pi. In fact, this is the last thing that Archimedes did. रोमन सोल्जर्स वर ऑर्डर्ड बाय द किंग टू चॉप ऑफ हिज हेड और जब वो आए सोल्जर्स आए तो वो जमीन पे इस तरह के काम कर रहा था तो उन्होंने सोल्जर्स को यही कहा कि भाई मुझे मारना है तो मार दो लेकिन जमीन से ये जो फॉर्मूला है ये मत मिटाना सो so, पाई की एक्यूरेट वैल्यू के लिए आर्किमिडीज ने अपनी जान तक दे दी और आर्किमिडीज ने ये किया कि सर्कल के पेरीमीटर को दो पॉलिगन की हेल्प से एस्टिमेट किया एक पॉलीगन जो कि सर्कल के अंदर है जिसे हम इंस्क्राइब पॉलिगन कहते हैं और एक जो सर्कल के बाहर है जिसके जिसे हम सर्कमस्क्राइब पॉलिगन कहते हैं तो सर्कल का पैरिमीटर इंस्क्राइब और सर्कम पॉलीगन के बीच में कहीं होगा और आर्किमिडीज ने हेक्सागन से शुरुआत की तो अगर मैं सर्कल का जो डायमीटर है वो वन लू तो ये जो हेक्सागन है इसका साइड हाफ आ जाता है डेर इस अंदर वाले हेक्सागन का पेरीमीटर हाफ इंटू सिक्स यानी कि थ्री आ जाता है अब बाहर वाले हेक्सागन की अगर बात करें तो उसकी जो साइड है वो हम निकाल सकते हैं और वो आएगी वन बाई रूट थ्री और इसको अगर छह से गुणा करें तो एक और पेरीमीटर हमें मिलेगा तो सर्कल का जो पेरीमीटर है वो इन दोनों रेंज के बीच में होगा तो ये हमारा पाई के वैल्यू का एस्टिमेशन होगा एंड नाउ ना ओवर डिट वॉस ही इंक्रीज या डबल द साइड ऑफ दिस पॉलिगन एंड देन छह से बारह बारह से चौबीस चौबीस से अड़तालीस और अड़तालीस से छियानवे तक उसने काम करा और नाइनटी सिक्स की सहायता से जो वैल्यू आई वो ये थी थ्री टेन इन दोनों वैल्यूज के बीच में पाई की वैल्यू है यह आखिरी आर्किमिडीज का एस्टिमेशन था आर्किमिडीज ने ये एक ट्रैमल भी बनाया जिसे हम ट्रैमल ऑफ आर्किमिडीज के नाम से ही जानते हैं तो इसको अगर हम गोल गोल घुमाते हैं तो ये जो दो डंडियां हैं ये सीधी सीधी लाइनों में चलती हैं लेकिन ये जो गोला है इसमें अगर मैं पेन लगा दूं और ऐसे रख के अगर इसको मैं घुमा दूं तो यही गोले में इलिप्स बन जाता है तो आर्किमिडीज ने सर्कल का पाए तो निकाला ही लेकिन इलिप्स बनाने की जो ये मशीन है ये भी इजाद की और इंटरेस्टिंगली का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू मतलब उसमें भी पाए का जिक्र आता है इसके बाद करीब हजार साल तक पाई की यही वैल्यू रही जो आर्किमिडीज ने दी थी फिर फिफ्थ एडी के आसपास भारत में आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी पाई की वैल्यूज दी आर्यभट्ट ने बासठ हजार बटे बीस बताया और ब्रह्मगुप्त ने स्क्वायर रूट ऑफ टेन उन्होंने ये वैल्यूज कैसे निकाली इसका ज्यादा प्रूफ नहीं है क्योंकि पहले इंडियन मैथमेटिशियंस संस्कृत पोएट्री में ये सब लिखते थे और उन्हीं में से एक श्लोक में ये वैल्यूज मिली हैं इसी समय चाइना के सु चुंगची और उसके बेटे सु केंची ने भी पाई का वैल्यू कैलकुलेट करा और ये जो रेंज है ये उन्होंने दी यूजिंग ट्वेंटी साइड्स आर्किमिडीज के जो मेथड था उसमें वो पॉलीगन की साइड्स को डबल करते गए और 24576 साइड्स का पॉलीगन इस्तेमाल करके उन्होंने ये रेंज दी एंड दिस स्टूड फॉर 800 इयर्स उसके बाद फिर से भारत के माधव जो केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के फाउंडर थे उन्होंने इसके ऊपर और आगे इसके ऊपर काम करा और एक इनफिनिट सीरीज के माध्यम से पाई की वैल्यू को खोजने का एक तरीका बताया दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि उस इन्फिनिट सीरीज को जितनी टर्म्स आप ऐड करोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट आप पाई की तरफ पहुंच जाओगे तो इन्फिनिट सीरीज के माध्यम से पाई की वैल्यू खोजने का यह सबसे पहला आ, इंस्टेंस था और वो सीरीज ये थी वन माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाय सेवन प्लस वन बाय नाइन एंड सोन जितनी ज्यादा आप टर्म्स ऐड करेंगे उतना एक्यूरेट आप पाई की वैल्यू के पास पहुंच जाए तो अगर इस सीरीज की इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ दें तो हमें पाई की एकदम एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी बट द प्रॉब्लम विद दिस सीरीज इट वॉज कन्वर्जिंग वेरी स्लोली अगर हमें पाई सिर्फ दो डेसिमल प्लेस तक चाहिए 3.14 तो हमें इस सीरीज की 300 टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा अगर चार टर्म्स चाहिए 3.1415 तो हमें दस हजार टर्म्स को जोड़ना पड़ेगा और अगर सौ डिजिट तक हमें इस सीरीज के माध्यम से ये पाई की वैल्यू निकालनी है तो हमें इतनी टर्म जोड़नी पड़ेंगी जितने यूनिवर्स में टोटल पार्टिकल्स हैं एक्चुअली उससे भी ज्यादा टर्म्स जोड़नी पड़ेंगी देन पीपल कंपीटेड विद वेरियस एक्यूरेसीज विद सीरीज विच कन्वर्ज फास्टर एंड फास्टर 1650 पचास में इंग्लैंड के जॉन वॉलिस ने एक सीरीज दी और वो सीरीज ये है कि ऊपर इवन टर्म्स रखो और नीचे जो टर्म्स रखो उसमें इवन जो टर्म ऊपर लिया उससे एक में एक कम एक में एक ज्यादा ऐसे ही आगे बढ़ते जो अगर रहेंगे तो ये पाई बाय टू पे कन्वर्ज करती है और आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जो पाई इतना फेमस सिंबल है पाए का दिस वॉज नॉट देयर टिल सेवनटीन ऑयलर जो कि एक और मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसको फेमस किया एंड ऑयलर की जो सीरीज थी वो भी एक इन्फिनिट सीरीज थी जो पाई पे ही कन्वर्ट करती है और वो ये सीरीज थी वन प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस वन बाय थ्री स्क्वायर एंड सोन ट इन्फिनिटी तो ये जो सीरीज को अगर अपन इन्फिनिटी तक जोड़ेंगे तो पाई स्क्वायर बाय सिक्स पे कन्वर्ट करेगी अट्ठारह से लेकर अठारह तक इंग्लैंड के ही विलियम शैंक्स ने अपने बीस साल लगाकर पाई की सात डिजिट्स निकाली उसके तकरीबन पिचहत्तर साल बाद फर्ग्यूसन नाम के एक व्यक्ति ने एक साल तक मैकेनिकल कैलकुलेटर की सहायता से पाई की 808 डिजिट्स निकाली लेकिन उसके चार साल बाद ही इनिया जो कि सबसे पहला कंप्यूटर था वो बनकर तैयार हो गया जिसने 70 घंटे में दो डिजिट्स निकाल दी कंप्यूटर्स के आ जाने के बाद पाई की डिजिट्स का जो ये खेल था ये अलग लेवल पे पहुंच गया अब हजारों नहीं लाखों करोड़ों अरबों या फिर खरबों डिजिट्स निकाली जाने लगी और लोग करते क्या थे एक इन्फिनट सीरीज को कंप्यूटर में डाल देते थे और जितने समय तक वो कंप्यूटर चलेगा उतनी ज्यादा टर्म्स उसमें ऐड होती जाएंगी और उतनी एक्यूरेट वैल्यू पाई की हमें मिलती जाएगी एंड द करंट इन्फिनिट सीरीज ऑफ चॉइस वाज आल्सो डेवलप्ड बाय अनदर इंडियन रामानुजन श्रीनिवास रामानुजन तो पहली जो इन्फिनिट सीरीज थी वो आ, माधव वो भी इंडिया के थे और जो अभी इस्तेमाल हो रही है वो भी इंडियन ही थे In 1997, 51.5 29 500,000 कई बार ये लगता है कि इतनी सारी करोड़ों अरबों खरबों वैल्यूज हमने पाई की डिजिट्स निकाली उसका फायदा क्या हुआ नासा की जो लेबोरेटरी है जो इंटरप्लिटरी जो मार्स पर जाने के लिए हम कैलकुलशन करते हैं वो भी सिर्फ पाई की पंद्रह डिजिट्स में ही काम करती है इनफैक्ट फैक्ट थर्टी नाइन डिजिट पाई आर इनफ टू फाइंड द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स टू द एक्यूरेसी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम तो फिर लगता है कि इतनी सारे जो जद्दोजहद चल रही है पाए के लिए ये क्यों चल रही है करोड़ों वैल्यू जो निकाली वो क्यों निकाली तो इसका सबसे पहला तो ये कारण है कि इसको अपने देश की कंप्यूटिंग पावर को प्रूव करने का एक प्रॉक्सी मान लिया जाता था तो जितनी ज्यादा हम वैल्यूज निकाल रहे हैं उतने हमारे पास कॉम्प्यूटेशनल पावर है दूसरा पाई इज अ वेरी गुड रैंडम नंबर जनरेटर और पाई की वैल्यूज को कंप्यूटर चिप्स को टेस्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है तो अगर आपकी एक करोड़ भी पाई के डिजिट्स या पचास करोड़ भी डिजिट्स आपने कंप्यूटर ने सही निकाली है तो वो सही काम कर रहा है ऐसा मान सकते हैं और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो ये कि इंसानों को शुरू से ही कुछ नया करने की चाहत रही है भाई माउंट एवरेस्ट है उस पर चढ़ गए ऊपर जाके तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है पर हमें उस उसपे चढ़ना है तो ये जो नया करने की कुछ जो चाहत होती है ह्यूमैनिटी की दिस हैज हैजल्सो टू डू विद वी कैलकुलेटिंग फिफ्ट ट्रिलियंस ऑफ डिजिट्स ऑफ पाई और इसी चाहत में 2019 में गूगल के एक एम्प्लॉई एमा हरुका ने 31.4 ट्रिलियन डिजिट्स पाई की निकाल के एक नया रिकॉर्ड बनाया बट रिकॉर्ड तो ऑफकोर्स टूटने के लिए होते हैं तो 2020 में टिमथी मलिकन नाम की एक और व्यक्ति ने 50 ट्रिलियन डिजिट्स निकाल के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया इनफैक्ट यू कैन डाउनलोड ऑल दीज फिफ्टी ट्रिलियन डिजिट्स ऑन योर कंप्यूटर तो 4000 हजार से 2020 हजार बीस एडी तक की ये जो लंबी यात्रा थी इसमें पाई की वैल्यू निकालते निकालते कितने ही लोग निकल लिए लेकिन पाई की असली वैल्यू अभी तक नहीं निकली